मैं बोले बोले तो आपको बोल सकते हैं, ये खुद के लिए बोल रहा है, पूरा आवाम बोल रहा है, आवाम बोल रहा है, आपके लोग बोल रहे मैडम बहुत अच्छे हैं। मैं भी बोलता हूँ मैडम बहुत अच्छे हैं। उनके साथ जो 10 कॉन्ट्रैक्टर लूट मार जो कर रहे हैं वो बहुत टू मच हो गया। 4-5 तारीख को मैं प्रेस मीट करूँगा, पूरा डिटेल्स दूँगा, पूरा डिटेल्स दूँगा। वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैडम के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, आपके नाम पर कितना लूट मार कर रहे हैं। एक वॉकवे बनाएंगे और फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बना रहा हूँ मैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन। एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। बहुत प्रॉब्लम है जाम होता है ट्रैफिक, मेनली फ्रॉम 8:30 AM टू 10:30 AM जब कॉलेज स्कूल का रश होता है, और इवनिंग जब कॉलेज स्कूल छूटते हैं उसका मेन ट्रैफिक जाम है सर। ओके, 8 PM क्योंकि फंक्शन बहुत है एरिया में, करेक्ट, तो उसके लिए ट्रैफिक जाम होती है। और सेकंड रिंग रोड पे आना चाहिए सर, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं सर, ट्रॉली जाते हैं, ट्रैक्टर जाते हैं, लॉरीज जाते हैं, हैवी व्हीकल जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं सर। रोड का काम सर अगर थोड़ा इफेक्टिवली अगर हो गया तो हमारा जो मेजर जो ट्रैफिक इधर से जो मेन रोड से हो रहा है वो ये हो के इधर से अगर बाइफर्केट हो गया तो ट्रैफिक का इशू टोटली सॉल्व हो जाएगा सर। सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, करेक्ट सर। आप एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, ये जब रिंग रोड बना है 2019 में हम उमेश यादव को मैं ही लेकर आया था, क्योंकि ये कॉन्स्टेंसी का डिफीटेड कैंडिडेट मैं हूँ बोल के उनके लाया। मेजर आपका LNT का जो काम रुका था तो आके हम करा के दिए, वो करा के देने के बाद हम लोग सोचे थे यहाँ कुछ करेंगे, बट क्या है ऑलरेडी मेरे तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से ये जो सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड के लिए मैं लड़ाई कर चुका हूँ ऑलरेडी। सर्विस रोड हैड स्टार्टेड फ्रॉम आनंद, आनंद नाका से वो सर्विस रोड चालू होके यहाँ खरगे पंप तक ऑलरेडी ये सैंक्शन हो गए। जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेरे नेतृत्व में बन रहा है, बोल के बोलना चाहता हूँ, वो एक हो जाएगा। सेकंड, आप जो बोल रहे हैं सिग्नल का, ये इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपके पास लोग ये इशू बात ही नहीं करते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है ऊपर वॉकवे, एक वॉकवे बनाएंगे और फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरा क्या कह रहना है, आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए ना कि कम्युनिटी बेस्ड में। हम डेवलपमेंट बेस पे मांग रहे हैं हम लोग, वो लोग आपको कम्युनिटी बेस में पूछ रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चांस हमें दीजिए। 25 साल से वोट वो क्या दे रहे हैं, BJP आएगा तो ऐसा करेगा। BJP में इंडिया में आया, BJP कर्नाटका में आया, BJP गुलबर्गा में है, हम लोग है। हमारे तरफ से एक तो प्रॉब्लम हुआ आपको, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, आपका डेवलपमेंट कर सकते। माई एजेंडा इज डेवलपमेंट, यहाँ फ्लाईओवर कर सकता हूँ। तो आप एक याद रखिए, वोट फॉर अ चेंज, गिव मी अर अपॉर्चुनिटी, मैं ये सब काम करके दूंगा। अगर वो लोग को और एक बार चांस दिए बोले तो आइंदा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं उनके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोले बोले तो आपको बोल सकते हैं, ये खुद के लिए बोल रहा है, पूरा आवाम बोल रहा है, आवाम बोल रहा है, आपके लोग बोल रहे मैडम बहुत अच्छे हैं। मैं भी बोलता हूँ मैडम बहुत अच्छे हैं। उनके साथ जो 10 कॉन्ट्रैक्टर लूट मार जो कर रहे हैं वो बहुत टू मच हो गया। 4-5 तारीख को मैं प्रेस मीट करूँगा, पूरा डिटेल्स दूंगा, पूरा डिटेल्स दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैडम के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आपके नाम पे कितना लूट मार कर रहे हैं। वन मोर थिंग, गुलबर्गा बीइंग एजुकेशन हब, यस सर, नाउ यूथ आर ईगर फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस, हां, सो दिस इज वेरी बिग इशू, यस, इफ इट इज गेट एड्रेस हियर इटसेल्फ, यस सर, देन वी विल नॉट मूव टू अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, यस, वी विल सेटिस्फाई हियर इटसेल्फ, सो व्हाट अबाउट दैट सर। सो वन एग्जांपल आई लाइक टू गिव टू यू सर, लास्ट इलेक्शन व्हेन आई केम एंड रिक्वेस्टेड यू ऑल टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू बी इलेक्टेड एज MLA, समथिंग हैपेंड एंड माई एजेंडा वॉज, पीपल वुड आस्क मी अब क्या करने वाले हो जीत के बाद। मैं बोला मैं एक इंडस्ट्री लाऊंगा, आई विल गेट अ गवर्नमेंट वेरी बिग फैक्ट्री हियर, सो देन इट कैन गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल दी पीपल। सो मिस्टर अनंत कुमार जी वॉज दी फर्टिलाइजर मिनिस्टर, सो वन आई डिस्कस्ड विथ हिम आई टोल्ड हिम दैट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 45% टू 38% इज अवेलेबल इन चितापुर एंड चिंचोड़ी। सो वैन ई डिस्कस्ड विथ हिज एसोसिएट्स, यस सर वी कैन डू इट। सो अनंत कुमार जी हैड कम फॉर द इलेक्शन टू, he had
come for the elections to Raghavendra Colony. That time, me and Appugod was the candidate. He told, if you make both these people win, I will give you that fertilizer factory for Gulbarga. But unfortunately, he passed away. That fertilizer factory has gone to Hubli Dharwad area. I would like to tell, if you had elected me, if you all had given me the opportunity, I would have 110% sat front of Vidhan Sabha and I would have fought with my government. I would have done hunger strike. I would have left my breath, but I would have not let the factory go to anywhere else. I could have got it to Gulbarga. So one more, I'll just complete. तो आप बोल सकते हैं फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया बोले तो, आई वॉज येट रिक्वेस्टिंग, आई वॉज राइटिंग लेटर्स टू पीएमओ ऑफिस व्हेन आई मेट द सीएम ऑफ आवर कर्नाटका बसवराज बोम्मई साहब, थ्रू हिम आई रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलबुर्गी हैज़ टू बी गिवन सम इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गेट डायरेक्ट जॉब, देर इज नो जॉब ओनली कलबुर्गी में. आप देख सकते हैं सर, सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी लोग एंटरप्रेनर है, सभी लोग नौकरी काम करते हैं. गवर्नमेंट से कुछ भी, कौन सा भी बेनिफिट लेने से अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है. तो मैं क्या कराता हूँ, तो ये सो 2018 में जब मैं रिक्वेस्ट कराया था आई विल गेट अ इंडस्ट्री हियर, 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी टेक्सटाइल पार्क बनाए, अब सभी को मालूम है वो टेक्सटाइल पार्क बनेगा, उसमें 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 75,000 इनडायरेक्ट फैमिली विल गेट बेनिफिटेड. सो समवेयर जो मेरे में वो स्पार्क है मैं दिखाई हूँ आपको. तो विदाउट बींग MLA, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक बार मेरे को चांस दीजिए. हमारे उत्तर मत क्षेत्र में 32 वार्ड है, 32 वार्ड को ओनली डेवलपमेंट 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 करूँगा एंड पूरे हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलूंगा, वो के वादा करता हूँ. We need small scale industries as well as we need some call centers. Yes. Because you are saying